रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 67 रनों की शानदार जीत दर्ज की। बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 का स्कोर खड़ा किया, इसके बाद हैदराबाद को सिर्फ 125 रनों पर समेट दिया। बैंगलोर की तरफ से वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। आईपीएल 2022 सीजन में विराट कोहली तीसरी बार शून्य पर आउट हुए। मजेदार बात ये कि विराट कोहली सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इसी सीजन दूसरी बार गोल्डन डक पर आउट हुए। कोहली इस सीजन कोई खास कमाल दिखा भी नहीं पाए। इस सीजन उन्होंने 12 मैचों में सिर्फ 216 रन बनाए हैं और विराट का औसत सिर्फ 19.16 का रहा है। पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने उमरान मलिक को चेतावनी दी है, कहा है कि T20 में किसी गेंदबाज की रफ्तार मायने नहीं रखती है। अगर आपकी लाइन लेंथ सही नहीं है तो आपकी गेंद दोगुनी रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जाती है। आईपीएल 2022 में सोमवार को होगी मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच टक्कर। 11 मैचों में अब तक सिर्फ 4 मुकाबले ही जीत सकी है केकेआर। प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस ने अब तक जीते हैं सिर्फ 2 मुकाबले। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उन्हें बुखार किस वजह से हुआ है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाकर बुखार होने की जानकारी। इससे पहले दिल्ली की टीम का एक नेट गेंदबाज कोरोना संक्रमित पाया गया था। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली को शोएब अख्तर ने नसीहत दी। शोएब अख्तर ने कहा है कि विराट ये सोच रहे हैं कि वो अब पहले जैसा खेल क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, इसी वजह से उन पर दबाव बन रहा है। अब उन्हें खुद को सामान्य खिलाड़ी मानकर खेलना चाहिए। आईपीएल के मौजूदा सीजन में कई युवा खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है, उनमें पंजाब किंग्स के विकेटकीपर जितेश शर्मा भी है। उनके खेल से भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग खासे प्रभावित है। सहवाग ने कहा है कि जितेश को इस साल के अंत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहिए। आईपीएल 2022 में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे शिमरन हेटमायर ने फिलहाल आईपीएल में एक छोटा सा ब्रेक लिया है। राजस्थान रॉयल के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने बीच में ही घर जाने का फैसला किया है। वो अपने बच्चे के जन्म के लिए अपने घर गयाना गए, वो जल्द लौट कर आएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स पर विशाल जीत दर्ज करने के बाद केएल राहुल ने बताई अपनी टीम की खासियत। बोले, हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, हमने अलग अलग परिस्थितियों में मैच जीते हैं। लखनऊ 11 में से 8 मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पर काबिज है। आकिब जावेद की रैपिड फायर राउंड में कोहली और बाबर में से किसी एक को चुनने को कहा गया। इस पर जावेद ने कहा कि कोहली अपने करियर के पीक से उतर चुके हैं और फिलहाल वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आकिब जावेद पाकिस्तान के 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे। क्रिकेट धमाका प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद।